सोमवार को ग्राम पंचायत जमथल में वन विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीपीएफ जमथल में बने रियासी मकान पर वन विभाग ने अपना कब्जा किया। वन विभाग ने डीएसपी, तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग आदि अन्य विभागों की मौजूदगी में रिहासी जमीन पर तारबाड़ी लगाकर और मकानों को भी सील किया। ग्राम पंचायत जमथल के दो परिवारों के ऊपर दिवाली के त्योहार पर यह गाज गिरी है। वन विभाग के रेंज ऑफिसर ने बताया कि वीरेंद्र कुमार सुपुत्र हरिमन और लाला राम सुपुत्र बंशी राम के मकान डीपीएफ जमथल में बने थे, जिस पर यह मामला कई वर्षों से जिलाधीश, जिला न्यायालय और हाई कोर्ट में चलता रहा और आज उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इन लोगों के मकान इसकी जद में आ गए, जिसके चलते विभाग ने अपनी प्रक्रिया सुबह करीब 10 बजे से अपनाई। वन विभाग अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचा, मगर मकान में रह रहे परिवारों ने स्वतः ही मकान को खाली कर दिया। वहीं 90 वर्षीय महिला बुजुर्ग मकान मालिक व बच्चे औरतें आंखें झपकते हुए इस घटना को देखते रहे। बस इतना ही गुजारिश है तुसा दे भाई, और आखे कुछ नहीं बोल सकते भाई, इतनी बन बोल सका मैं, कम से कम इस मकान में तो बख्श दो सर, मैं राह कुछ नहीं जाइए तो आते अरे यार तैन भी ऐसी की थी और दे सते आई रही जो फिर रंदे आया सके की थी और जगह नहीं कि दूर होने की थी ते जाइए कि खबना ये क्वार्टर लेना पौना मेरे मालिक का तो आए सामान की थी रोकर कर रख दा और क्या बोल सका सर, त्याग कुछ नहीं बोल सकती। एक बेचारी 80-90 साल हो गए इसकी, 1948 तो 13 वर्ष की शादी हुई थी सर इसकी, तो 13 वर्ष से जो बच्चा इस खेती में कर रहा है ना होम वर्क तो मतलब हार्ड वर्क तो सो पता भी आज मेरे जिंदगी में क्या मिला फल में जो इतने साल फल मतलब ये मिला। हम बोलते हैं जो जरूर राख रखी आपकी तो ले लेनी थी ना, हमको मना थोड़ी कर रहे इसको। अब हमारे बुजुर्गों को इस बारे में नॉलेज नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे बेचारे, जो बोलते थे उस टाइम वही करते थे वो। अब आज खान को पता है कि हम पढ़े लिखे हैं, गलत है जो गलत है वो मानते हैं उस बात को कि गलत है, जो सो है कि है दरमल की तो हम बोलते सर उसको तो दे दो बाकी नहीं हमें चाहिए। सातवीं सो उन्होंने सो की ये बताया है तो मकान कर दो भाई, सातवीं सो चाह रहा बाकी हाँ कुछ नहीं चाहिए, अगर कोई मकान बाहर आता है उसको डिले कर दो मानने को लिख के दे दो। कोई मतलब ना अपने जिम्मेदार मकान बना ना इंसान दे लेने नहीं बनाते मकान कभी भी, वैसे तो मेरी यहाँ बताई है तो मेरी यही है तो तभी मैंने यही मकान बनाया है। मकान उस टाइम पटवारी पूछे थे बोला तो हर मलकीत है बोला जी सर है उन्होंने आए तो नहीं जो भी दस इतना हाँ। बनना भी की थी जी मलकीत तो तिमा बनाया होगा किस टाइप का बनाया होगा तीन हजू पता बेचारे जो जो भूमिका थी वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इसको इसका पोजिशन जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लेना था, जिसके लिए जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो हमने एक यहाँ पर टीम रखी थी उससे पहले कुछ हमने इंटेलिजेंस कलेक्शन किया था और आज ये शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर ये पोजेशन की जो प्रक्रिया है पूरी हो गई है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो अधिकारी कर्मचारी जो आए हैं उन्होंने इसे जो है ये जो वीरेंद्र का मकान बताया गया है इसकी जो सील कर लिया है और सारी प्रक्रिया जो शांतिपूर्ण रही है। एक और बताया गया है जो तो जिला प्रशासन की तरफ से जो है जिसको उसे भी सील किया जा रहा है और अगला